बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय की विषय हिंदी कक्षा 6 की वर्कशीट नंबर 2 पर चर्चा करेंगे। यह वर्कशीट हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत के पार्ट 1 वह चिड़िया जो से संबंधित है। इस कविता का आधा भाग हम वर्कशीट नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। चलिए पहले पिछले भाग का हम रिवीजन कर लेते हैं। बच्चों, यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग साथ साथ पढ़ेंगे। बच्चों, पिछले कार्य पत्रक संख्या 1 में हमने जाना कि वह चिड़िया जो कविता श्री केदारनाथ अग्रवाल जी की है। चिड़िया दूध से भरे अनाज के कच्चे दानों को चोंच मारकर बड़े चाव से खाती है। चिड़िया बहुत छोटी है जो कच्चे दानों को खाकर संतुष्ट हो जाती है। नीले पंखों वाली चिड़िया गाती भी बहुत सुंदर है, उसे जंगल से बहुत लगाव है। आओ अब जाने कि चिड़िया और क्या कहना चाहती है। अभी जो हमने पढ़ा ये कविता का पिछला भाग था जो हमने वर्कशीट नंबर 1 में पढ़ा था। अब हम आगे की कविता पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वह चिड़िया जो, तो यहाँ पे उस छोटी सी चिड़िया के बारे में कवि कह रहा है कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले आती है। चढ़ी नदी यानी के उफनती हुई बहती हुई नदी, जल का मोती। यहाँ पर जल का मोती का मतलब है जल से। तो वो चिड़िया जो छोटी सी जो चिड़िया है वो चोंच मार के क्या करती है, एक बहत, वो इतनी निडर है, इतनी साहसी है कि वो नदी के, चढ़ती हुई नदी के अंदर जा कर के उसके ऊपर उड़ के उसके जल को ले आती है, अपनी छोटी सी चोंच में भर के उस नदी को, नदी के जल को ले आती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया, गर्वीली यहाँ पर एक शब्द आया, गर्वीली, गर्वीली का अर्थ है जो गर्व से भरपूर हो, गर्व से भरी हुई, यानी कि उसको छोटी जो चिड़िया उसको बहुत ज़्यादा गर्व है स्वयं के ऊपर। क्यों गर्व है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा निडर है। वो अपनी चोंच से उफनती नदी के अंदर जा करके उसके ऊपर उड़ के क्या करती है, अपनी चोंच में उसके पानी को दबा करके लाने का साहस रखती है, लेकर आ जाती है। तो इसलिए चिड़िया को क्या है, खुद के ऊपर गर्व है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, तो चिड़िया का रंग कैसा है, हम सबको पता है चिड़िया का रंग नीला है। मुझे नदी से बहुत प्यार है, किससे प्यार है, नदी उसको, चिड़िया को नदी से प्यार है। चलिए अब इसकी रिविज़न एक बार हम करते हैं, कवि क्या कह रहे हैं दोबारा से। कवि कह रहे हैं, ये देखिए इसमें लिखा हुआ है, चिड़िया बहुत ही निडर है, वह चढ़ी नदी का दिल टटोलकर अपनी चोंच में जल की बूंदें ले आती है, यानी कि वो चढ़ी नदी के ऊपर जिसमें जाने का कोई साहस नहीं करता, उसके ऊपर उड़ के वो क्या करती है, उसकी जल की बूंदों को अपनी चोंच में भर के ले आती है। और नीले पंखों वाली चिड़िया को अपने अपने पर गर्व है, इसलिए नीले पंखों वाली चिड़िया को क्या है, अपने ऊपर गर्व है। हमें चिड़िया की तरह निडर बनना चाहिए। लेखक क्या कहता है कि हमें चिड़िया की तरह निडर बनना चाहिए। जिस प्रकार चिड़िया को अपने पर विश्वास है, उसी प्रकार हमें भी अपने पर विश्वास रखना चाहिए। चिड़िया को इतना विश्वास है कि वो चढ़ी नदी के ऊपर उड़ करके वो जल को ला सकती है, उसको विश्वास है कि वो उसमें डूबेगी कभी भी नहीं, उसको विश्वास है अपनी उड़ान के ऊपर। ऐसे हमको भी क्या होना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि हाँ हम ये कार्य पूरा कर सकते हैं। चलिए अब इसके प्रश्नों पर चर्चा करें। पहला प्रश्न है, बताइए कि नीले पंखों वाले चिड़िया को अपने गर्व क्यों है। नीले पंखों वाले चिड़िया को अपने ऊपर गर्व इसलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा निडर है, साहसी है। वो अपनी चोंच से नदी, चढ़ी नदी के टटोल, दिल टटोल कर वहाँ से भी जल की बूंदें अपनी चोंच में भर के ला सकती है। इसलिए नदी को, इसलिए चिड़िया को अपने ऊपर गर्व है। क्यों गर्व है बताया मैंने अभी, क्योंकि वो निडर है, साहसी है। चढ़ी नदी का दिल टटोल कर वो उसकी बूंदें अपनी चोंच में भर के ला सकती है। अगर आप चिड़िया होते तो क्या क्या करते, ये उत्तर आपको स्वयं लिखना है कि अगर आप चिड़िया बनते तो आप क्या करते। अब इसमें कि हम पक्षियों के लिए क्या क्या कर सकते हैं, बताइए क्या क्या कर सकते हैं। हम उनको दाना दे सकते हैं, हम अपने छतों पर पानी रख सकते हैं। अगर हमको कहीं पे कोई घायल पक्षी मिल जाए तो हम उसकी मदद कर सकते हैं, उनको नुकसान ना पहुंचाएं, उनके रहने के लिए जगह बनाएं, है ना।
तो हम चिड़िया के लिए जो भी कर सकिए आपको लिखना है अपने शब्दों में। आपने कौन कौन से पक्षी देखे हैं उनके नाम लिखिए। अब ये तो आपने को पता है कि आपने कौन कौन से पक्षी देखे हैं, तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, उनके नाम लिखना है और अपने मनपसंद किसी एक का आपको चित्र बनाना है। सबका नहीं बनाना, आपको कोई एक जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है उसका आपको चित्र बनाना है। तो चलिए बच्चों, आज की वर्कशीट पे हमने चर्चा करी एक छोटी चिड़िया की, जो आप ऐसे ही आप लोग जो हैं इस वर्कशीट को जल्दी जल्दी पूरा कीजिए, इनके प्रश्नों के उत्तर लिखिए और जल्दी से जल्दी वर्कशीट पूरी करके अपने टीचर्स को भेज दीजिए। चलिए, धन्यवाद।